हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बच्चों, हमने वीडियो के पार्ट वन व टू के अंदर घन एवं घनमूल के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज पुनः हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वीडियो के पार्ट एक व दो में घन एवं घनमूल के बारे में कितना सीखा है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक आकृति दिखाना चाहूंगा। आपने बताना है कि ये आकृति कौन सी है, इस आकृति का क्या नाम है, और आप पे उस आकृति से भलीभांति परिचित है, आप हमेशा उस आकृति से खेलते हैं। तो मैं आपको आकृति दिखाना चाहता हूं। ये आकृति बच्चों देखिए, ये आकृति जो आपके सामने है, इस आकृति का क्या नाम है, और इस आकृति से आप ऐसे ऐसे करके खेलते हैं, और एक कलर के, एक रंग के घन एक तल पर लाने का आप प्रयास करते हैं। अब बताइए बच्चों, इस आकृति का क्या नाम है? सर जी, ये आकृति घन की आकृति है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, घन। इस आकृति का क्या नाम है? घन या क्यूब। बच्चों, अगर हम इसे पूरे घन की बात करते हैं, पूरा घन, इसमें छोटे छोटे कितने घन हैं? एक दो तीन, एक दो तीन। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे ये लंबाई, मान लीजिए ये चौड़ाई हो जाती है, अगर इसमें बात करते हैं एक दो तीन, और ऊंचाई में भी तीन है, यानी अगर टोटल छोटे छोटे घनों की बात करें, तीन गुणा तीन गुणा तीन कितने हैं बच्चों? 27। कितने घन है इसमें? 27 इसके अंदर घन है। अब बच्चों, ये जो आकृति है, ये किस टाइप की आकृति है? ज्यामितीय रूप की चर्चा कर रहे हैं हम, 2D, टू डायमेंशनल, द्विविमीय, 3D आपने किया हुआ है, थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय, बताइए किस टाइप की ये आकृति है? सर जी, ये 3D आकृति है, या हम इसे थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या तीन विमाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, 3D यानी ये त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें तीन विमाओं की आवश्यकता होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम इसके एक तल की बात करते हैं, ऐसे ही ये मान लीजिए वर्गाकार है, अगर हम वर्ग की बात करते हैं, भुजा गुणा भुजा, आयत की बात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो सारी द्विविमीय होती है, टू डायमेंशनल, उसमें दो विमाओं की आवश्यकता होती है। अब बच्चों आपसे कुछ और प्रश्न करते हैं, घन संख्या क्या होती है? सर, जब संख्या की सर्व में 3 बार गुणा की जाती है, या उसी संख्या को 3 बार स्वयं से गुणा की जाती है, उसे हमें घन संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए बच्चों, आप 8 का घन क्या होता है? सर, 8 का घन 512 होता है। बिल्कुल सही। और अब बच्चों बताइए, आप हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है? आपने नाम सुना है हार्डी रामानुजन, हमने विस्तार से चर्चा की थी इस पर पहले वाली वीडियो में। हार्डी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है? सर जी, मैं बताती हूं, जब 2 घनों के रूप में 2 भिन्न प्रकार से किसी संख्या को व्यक्त किया जाता है, उसे हमें हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। और अब आप बताइए,
सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? सर जी, इसे मैं बताता हूँ। सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है। बिल्कुल सही। आप बच्चों ये बताइए कि आपको क्या संक्षिप्त विधि से, शॉर्ट ट्रिक मेथड से, संख्याओं का 1 से 100 तक, जो हमने विस्तार से चर्चा की थी घन ज्ञात करने की, 1 से 100 तक संख्याओं का घन ज्ञात करना आता है? सर जी, हम 1 से 100 तक संख्याओं को संक्षिप्त विधि से घन ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये विधि बड़े अच्छे से आती है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो पहले चर्चा की थी घन एवं घनमूल के बारे में, आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान है। फिर भी पुनः हम घन के बारे में आज विस्तार से चर्चा करें। बच्चों, आपने पढ़ा है योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना होती है। योग की प्रतिलोम संक्रिया क्या है? घटाना। ऐसे ही गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग और वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल। ठीक इसी प्रकार घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल होती है। जैसे अगर हम 3 के घन की बात करते हैं बच्चों, 3 का घन क्या होगा? 3 × 3 × 3 कितना होगा? 27। अगर हम 27 का घनमूल लेते हैं कितना आएगा? यानी ऐसी संख्या जिसको स्वयं को 3 बार गुणा करें और 27 आए, 3 × 3 × 3 यानी 27 का घनमूल भी 3 ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल होती है। और अब बच्चों, हमें पुनः चर्चा करेंगे संक्षिप्त विधि के बारे में। वैसे तो हमें यदि किसी संख्या का घन निकालना चाहते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 65, तो हमें कैसे निकाल सकते हैं? 65 × 65 × 65 निकल जाएगा इजी। लेकिन हम एक संक्षिप्त विधि के द्वारा शॉर्ट ट्रिक से हमें घन निकालेंगे। जैसे कोई भी 1 से 100 तक की संख्याओं का बच्चों हम घन संक्षिप्त विधि से बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम 35 का घन हम निकालना चाहते हैं। कितने का घन है? 35 का घन। ये संख्या बच्चों हमने लिख दी 35 का घन। इसका हमें घन निकालना चाहेंगे संक्षिप्त विधि यानी शॉर्ट ट्रिक से। कैसे निकाले? इसके सबसे पहले 35 में बच्चों एक अंक ये है और एक अंक ये, दो अंक है। इसमें सबसे पहले जो इस लेफ्ट साइड का अंक है 3, इसका घन लेंगे 3 × 3 × 3 यानी हम कह सकते हैं 27। या हम अगर इसको ऐसे लिख दें एक स्टेप, 3 का घन, और इसको बच्चों हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 5 का घन। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, दो अंक है क्योंकि 1 से 100 तक यानी 99 तक संक्षिप्त विधि से हमें कैसे घन ज्ञात करें। तो इसमें दो अंक है, एक के नीचे अंडरलाइन यहां, एक के नीचे अंडरलाइन यहां लगा दी, 3 का घन 5 का घन, दोनों अंकों का घन कर दिया। अब बीच वाली संख्या के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 3 का वर्ग गुणा में 5, और एक करते हैं बच्चों 5 का वर्ग गुणा 3। ये बीच वाली संख्या है, बड़ा ही आसान। यानी देखिए, समझिए ध्यान से क्या है इसमें। इस संख्या का घन ले लीजिए और ऐसे ही राइट साइड में इस संख्या का घन लीजिए। बीच में जो संख्या आएगी, पहला जो अंक है इसका वर्ग करके दूसरी संख्या से गुणा, और जब दूसरा अंक लेंगे इसका वर्ग करके इस संख्या से गुणा। बड़ा इजी, ये एक एक्टिविटी टाइप होगा, आप बड़े ही आनंदमय तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 का वर्ग, इसका वर्ग किया गुणा 5, इसका वर्ग किया 5 का वर्ग गुणा 3। अब हम लेते हैं 3 का घन कितना आएगा बच्चों? 27, और 3 × 9 = 9, 9 × 5 = 45 ये आएगा, और यहां पर बच्चों
25 या 75, 5 का वर्ग 25 और यहां पर 125, ये आपका फर्स्ट स्टेप करके हो जाता है। इसका घन क्या है, बीच में संख्या ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करें, जैसे यहां पर हमें 45 का बच्चों डबल कर देते हैं 90, 90, 75 का डबल करेंगे कितना आएगा बच्चों 150, ये आ जाता है। अब हम क्या करें, अब इसके अंदर बच्चों हमें क्या करेंगे, जैसे अब हम इसका टोटल कर देंगे ऐसे, अब बच्चों हम इसका टोटल कर देंगे 125। सेकंड स्टेप, इसको जोड़ेंगे 5, 7, 5, 12, 225 और 5, 9 और 4, 13 और 27। सेकंड स्टेप में बच्चों हमने इनका टोटल कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिए इकाई के अंक को, जो बच जाता है शेष उसको आगे ले आइए और प्लस कर दीजिए। जैसे ही यहां पर बच्चों जब हमें देखते हैं कितना आएगा, टोटल करते हैं 7, 3, 2, इसमें भी इकाई के अंक को अंडरलाइन, प्लस आ गए, शेष जो संख्या बचती है 8, इसमें भी वही तरीका, इकाई के अंक को अंडरलाइन, बाकी जो शेष संख्या बचती है इसको आगे ले चलिए हासिल के लिए, प्लस 15। अब हमें ये आ जाता है आपका थर्ड स्टेप और इसी से आपका आंसर आ जाता है 35 का घन बराबर। बच्चों यहां पर जितनी भी संख्याएं हैं, जितने अंक हैं सभी को ले लीजिए, इसमें तो 42, उसके बाद जो अंडरलाइन है जिसके नीचे उसको ले लीजिए 8, 7, 5, यानी हम क्या कह सकते हैं बच्चों 35 का घन बराबर कितना होगा 42,875। इस प्रकार से हम एक एक्टिविटी टाइप ही, गतिविधि करके ही, एक आनंदमय तरीके से 99 तक की संख्याएं यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपने स्वयं करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है, संक्षिप्त विधि से निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। बच्चों संक्षिप्त विधि का अर्थ है हमने 100 ट्रिक जो की थी उसमें हमने दो दो दोनों अंकों के नीचे क्या थे, अंडरलाइन करके ऐसे घन लेके बीच में संख्याएं लिखी थी, डबल करके इकाई के अंक के नीचे अंडरलाइन करके, जो हमने वो संक्षिप्त विधि के बारे में सीखा था उसी संक्षिप्त विधि से निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्या है 48, सेकंड 37 और थर्ड 79, 79। इसको बच्चों हमने संक्षिप्त विधि से इसका घन ज्ञात करना है और आप सीधा भी घन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 48 का आपने संक्षिप्त विधि से किया, उसके बाद आप 48 गुना 48 गुना 48 वो भी घन ज्ञात कर दीजिए, दोनों घनों को टैली कीजिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। इस प्रकार से आप स्वयं करके देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।